सब्सक्राइब कीजिए एस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस लेटेस्ट स्पोर्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रेलवे की ओर से रणजी टीम में कैसे चयनित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहला जो तरीका वह यह है कि अगर आप रेलवे में वर्क यानी जॉब कर रहे हैं तो आप वहां से इंटर रेलवेज के मैच खेलकर आसानी से रेलवे की जो रणजी टीम है उसके लिए चयनित हो सकते हैं। इसकी प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसमें आपको इंटर रेलवेज के जो मैच हैं वह खेलने पड़ते हैं। दूसरा जो तरीका है वह यह है कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से खेले हैं और उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके बेस पर आपको रेलवे की ट्रायल देनी होती है, जिसमें आपका चयन स्पोर्ट्स कोटे की ओर से किया जाता है, जहां से आपको रेलवेज के लिए जॉब भी करनी होती है, साथ ही साथ आपको रेलवे के लिए खेलने का मौका भी दिया जाता है। अगर आप इस प्रोसेस में शामिल होकर रेलवे के लिए क्रिकेट खेलते हैं और वहां से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको रेलवे रणजी टीम के लिए भी चयनित किया जा सकता है। इसकी एक शर्त यह है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वह पिछले 3 साल का होना चाहिए, यानी कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वह 3 साल से पुराना है तो आपको ट्रायल्स के लिए अनिवार्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ उन प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने रेलवे की रणजी टीम से खेलकर आगे इंडिया के लिए भी परफॉर्मेंस किया है। बुद्धि कुंदरन, जिन्होंने 1960 में डेब्यू किया। मुरली कार्तिक, जिन्होंने 2000 में डेब्यू किया। संजय बांगर, जिन्होंने 2001 में डेब्यू किया। करण शर्मा, जिन्होंने 2014 के लिए इंडिया के लिए खेला। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवेज की ट्रायल कब और कहां होती है। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।